Welcome back to the next video of economics cluster, video number 30. Chapter हम discuss कर रहे थे 4 industrial policy resolution. ठीक है, तो अब overall हमने जो पढ़ा तो main उसमें हमने ये समझाया कि जो leading role था development का industrialization का वो government ने अपने हाथ में लिया, public sector companies ने हाथ में लिया, और secondary role जो था वो दिया private sector को. तो वही हमें पढ़ना है कि क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स रहे हैं वो उस स्ट्रेटजी की जो 1950 से 1990 तक चला है. ठीक है, तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं, हम सारे फीचर्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं. तो पहला, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को लीडिंग रोल दिया गया, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेस का काम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया. ठीक है, तो पहला फीचर हो गया इसका. सेकंड, कि प्राइवेट सेक्टर जो था वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था. कैसे सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था? बिकॉज लाइसेंस परमिट राज आ गया था. लाइसेंस परमिट राज में क्या होता था कि कंपनीज को बिजनेस करने के लिए अपना एक लाइसेंस लेना होता था, साथ साथ अगर वो एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं तो उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता था. ठीक, थर्ड पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो था फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ये क्या होती है, ये क्या पॉलिसी होती है? तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है कि ऐसे गुड्स को गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी, सॉरी ऐसे चीज को खुद प्रोड्यूस करेगी जिसका इम्पोर्ट करते हैं. बात समझिएगा, मतलब मान लीजिए कि उन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे प्रोड्यूस करने का जिनका हम इम्पोर्ट करते हैं. उससे फायदा क्या होगा कि उससे हमारी करेंसी दूसरे देशों में नहीं जाएगी, हमारी करेंसी खुद के देशों में रह जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था फॉरेन कंपटीशन से. कैसे प्रोटेक्ट किया गया था? अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि कैसे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेकर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को या प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन कंपटीशन से, ये बर्बाद ना होने पाए, तो पहला नंबर पे गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगाती थी इम्पोर्ट्स पर ताकि कोई इम्पोर्ट ना करे, और इम्पोर्ट नहीं होगा तो विदेशी सामान जब यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो इससे वो प्रोटेक्ट रहेंगे. दूसरा, इम्पोर्ट पर एक कोटा फिक्स कर दिया था कि इस लिमिट के बियॉन्ड जाकर आप सब चीजें नहीं मंगा सकते हैं, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करती थी जिससे फॉरेन कंपटीशन इंडिया के अंदर नहीं आ रहा था और हमारे प्रोड्यूसर्स को फ्रीली जितना चाहे उतना प्रॉफिट वो कमाते और उनको कोई कंपटीशन नहीं लेना था किसी से. और वन लास्ट इम्पोर्टेंट फीचर इज कि LSI यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इस व्यू के साथ किया गया था, इस फोकस के साथ किया गया था कि मेन उनका टारगेट था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना. LSI यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट का सिर्फ एक तर्क था कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मजबूत हो. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या टारगेट था, तो इसका सिर्फ इतना टारगेट था कि एम्प्लॉयमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो इक्विटी ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का प्लानिंग पीरियड में ऑब्जेक्टिव था, इक्विटी ऑब्जेक्टिव उसको वो फुलफिल कर सकता है. तो ये था आपका जो पॉलिसीज अपनाई गई उसके मेन मेन कुछ फीचर्स. अब हम बात करते हैं गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स की. तो पहले हम डिस्कस करते हैं गुड इफेक्ट्स को, तो इसके बेसिकली तीन हम गुड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं. पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपने देखा था 1951 के टाइम पे 0.5% से भी कम का ग्रोथ हम दे पा रहे थे, अब वो बढ़कर ठीक है 6% का ग्रोथ दे रहे थे. तो यहां पर समझ सकते हैं कि ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये इसका गुड इम्पैक्ट पड़ा. दूसरी बात कि इंडस्ट्री जो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर हो गई थी वो अब इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन कर रही थी, यानी कि विभिन्न तरह के गुड्स बनने लगे इंडिया में, सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं रह गई. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, IPR 1956 की वजह से. नेक्स्ट समझिएगा कि जो SSIs का डेवलपमेंट किया गया, ये क्यों किया गया, प्लानिंग पीरियड का एक ऑब्जेक्टिव था कि हम इक्विटी ओरिएंटेड होंगे, और इक्विटी का ओरिएंटेड होने का क्या मतलब है कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज के बिना सबको इन्वॉल्वमेंट कर पाना इम्पॉसिबल था. तो ये उसके कुछ गुड इम्पैक्ट्स हो गए, गुड इफेक्ट्स हो गए. अब हर अच्छाई के पीछे कुछ बुराइयां भी होती हैं, नो डाउट, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ उसकी बुराइयां भी होती हैं. तो इस पॉलिसीज के कुछ हम ड्रॉबैक्स देखते हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स देखते हैं.
तो पहला बैड इफेक्ट था डेड सोशल वेट, यानी ये क्या होता है डेड सोशल वेट, इसका मतलब ये होता है, इसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी समझा दूंगा डेड सोशल वेट, हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है ट्वेल्थ में, आगे के चैप्टर आगे के सिलेबस में है, बट आप जानिए डेड सोशल वेट का मतलब होता है। डेड सोशल वेट एक सिचुएशन होता है जहां पर जब किसी कंपनी की मोनोपोली होती है, ठीक है, तो रिसोर्सेज वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसका अल्टीमेट यूज नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ध्यान देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब सारा रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया तो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली हो गई, और पब्लिक सेक्टर मोनोपोली का डेड सोशल वेट होना तय है, ठीक है। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट, तो भैया किसी का अपने जेब से तो पैसा लगना नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट एम्प्लॉयज का नहीं होता था, इंटरेस्ट ना होने की वजह से लोग मन से काम नहीं करते थे, और करप्शन, पिलफरेज, ठीक है, डिसऑनेस्टी लोगों में भरी थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिल्कुल 1990 आते आते डूबने के कगार पे आ चुके थे, ठीक है। दूसरी बात, लो क्वालिटी गुड्स, फॉरेन कंपटीशन ना होने की वजह से हमारे प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि गुड्स बहुत क्वालिटी का नहीं बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल मारुति की एक कार आती थी 800, जो कि उस टाइम सबसे सस्ती कार हुआ करती थी, लेकिन उस रेट में भी देखा जाए तो उस कार में एसी नहीं हुआ करता था, और वही विदेशों में ये चीजें शुरू हो चुकी थी, अच्छे अच्छे कार्स बनने शुरू हो गए थे। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ये डर नहीं था कि हमें कोई बाहरी कंपटीशन देगा, ठीक है, तो वो लो क्वालिटी गुड्स बनाना शुरू कर दिए, क्लियर। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत अच्छा बात नहीं था, ये एक ड्रॉबैक साबित हुआ। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या हो सकता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है कि उन चीजों का प्रोडक्शन करिए जिनका हम इम्पोर्ट करते हैं, इससे क्या होगा, इससे हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज सेव कर लेंगे, यानी हमारी करेंसी बाहर तो नहीं जाएगी नो डाउट, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम विदेशी करेंसी अर्न भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम स्टेबल हालत में रहेंगे, ना तो हमारा घट रहा है करेंसी, ना तो बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो ये इसके कुछ बैड इम्पैक्ट थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म हुआ, अपने चैप्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके की एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है, एसएसआईएस का डेवलपमेंट क्यों किया गया, एलएसआईएस का डेवलपमेंट क्यों किया गया, ठीक है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, क्या गुड इफेक्ट्स पड़ा, क्या बैड इफेक्ट्स पड़ा। तो अगले चैप्टर्स में अब हम जब डिस्कस करेंगे तो वो हम 1990 तक के फेज को अब डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाली पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का और इस चैप्टर का अंत मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा रिवाइंड करके देखिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछिए, देखता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में कोई डाउट किसी का रहता ही नहीं है, बट आप पूछिए, डाउट आपका होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। जय हिंद।